नैनीताल में डिग्री कॉलेज के समीपवर्ती जंगल में गुलदार के शावक दिखने से हड़कंप मच गया। जंगल में खेल रहे गुलदार के तीन शावकों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों की माने तो राजभवन के व्यस्ततम सड़क से लगे इस क्षेत्र में कई बार गुलदार देखा गया है, जिससे देर रात इस सड़क से गुजरने वालों को खतरा हो सकता है। भाई साहब बहुत खतरनाक है, एकदम व्यस्ततम। बीच में पहले भी एक बार लेपर्ड देखा गया था। अभी तीन बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं नीचे, उनके संग बड़ा भी है, वो नीचे को चले गए। काफ़ी भीड़ हो गई थी, भीड़ की वजह से भाग गए नीचे को। और बिजी रोड है एकदम, राजभवन रोड, सुबह 5 बजे से आदमी चलता रहता है, बच्चे आते हैं स्कूल के, बहुत खतरनाक है। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगल क्षेत्र में शावकों का देखा जाना आम बात है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि गुलदार के शावक है या लेपर्ड कैट, जिन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा ना करें, अगर ये गुलदार के शावक हैं तो उन पर हमला हो सकता है। जंगल का किनारा है तो इसमें लेपर्ड के होने की हम ऐसा खारिज नहीं करते कि लेपर्ड नहीं हो सकता। तो इसमें हमारी तरफ से जो वन विभाग से जो ये इसमें कॉशन ये रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पर एकदम भीड़ इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर लेपर्ड के शावक हैं तो ज़रूर उनकी माँ भी यहाँ पर होगी, और हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।